तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की हम जो चर्चा है वो अपनी एक कहावत से स्टार्ट करेंगे, जिसको सभी लोग आप जानते हैं कि आजी सर मुंडाया, आजी आसमान से गिर गए ओले। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, कि कुछ टाइम पहले UGC ने पूरे देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन सबको एक नोटिस निकाल के, जो भी बच्चे अपने इंटरमीडिएट थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो भी सेमेस्टर के, जो फाइनल ईयर के नहीं थे या फाइनल सेमेस्टर के बच्चे नहीं थे, उन सभी बच्चों को प्रमोशन देने की बात की थी। और सभी यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि जो भी UGC की गाइडलाइन दी जाती है वो उसको माना जाता है। तो आज के इस दौर के अंदर जो एक MDU ने इतना भयंकर नोटिफिकेशन 2 दिन पहले निकाला है, मेरी तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है कि इस प्रकार की हरकत भी जो है ये यूनिवर्सिटी कर सकती है। तो गाइज, इसमें साफ साफ एक लेटर में लिखा है, आप देख लीजिए, मैं लेटर आपको पढ़ के दिखा सकता हूँ कि इस लेटर में क्या लिखा है। कि गाइज, इस लेटर के अंदर लिखा गया है कि जो भी 16/7/2021 को UGC ने जो भी अपनी गाइडलाइन इशू करी थी कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों को क्या प्रमोट किया जाएगा, तो वो उसके लिए क्या ये खबर है। तो यहाँ पर लिखा है, द एग्जामिनेशन फॉर टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर शैल बी हेल्ड एज पर द शेड्यूल ऑलरेडी नोटिफाइड। जो भी शेड्यूल जो यूनिवर्सिटी ने दिया गया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, चाहे वो फर्स्ट बीएड का है, चाहे कुछ भी है, उन सभी बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट SDMA फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, फर्दर इन एडिशन टू अर्लियर नोटिफिकेशन 8/7/2021, एनी कैंडिडेट इफेक्टेड मेडिकल रीजन और एनी अदर सुटेबल एग्जिजेंस जो है एक है मतलब और कंसर्न टू HOD। तो कहने का मतलब ये कि जब आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, अगर आपको लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो यहाँ पर तो ये भी जिक्र नहीं किया गया, अगर आप दिल्ली या बाहर से स्टूडेंट हैं तो उनके एग्ज़ाम भी हो सकता है ये ऑफलाइन मोड में ही कराए। तो ये बहुत ही गलत बात है यूनिवर्सिटी की कि UGC की गाइडलाइन देने के बावजूद भी UGC इस प्रकार की मनमानी, जो यूनिवर्सिटी है वो इस प्रकार की मनमानी कर रही है। तो गाइज, इसका कारण क्या हो सकता है, ऐसा यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है? अगर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU ने ये कार्य किया है, तो आप मान के चलिए हरियाणा के अंदर बाकी और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो भी डेफिनेटली इस प्रकार का कार्य कर सकती हैं, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बाकी कोई और भी यूनिवर्सिटी है। देखिए, मुझे तो पहले ही पता था कि ये जो कोई भी यूनिवर्सिटी है वो इस प्रकार कार्य कर सकती है, क्योंकि गाइस, एग्ज़ाम लेने का रीज़न सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके पास फंड की भारी कमी होती है, और अगर काफ़ी बच्चे कोविड के चलते एग्ज़ाम नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं है, बसेज नहीं चल रही, तो काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम छूट भी जाएंगे या काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में फेल भी हो जाएंगे। तो अल्टीमेट यही चीज़ एक निकल के आ रही है कि भाई, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे, जिसको कोई दिक्कत आएगा, यूनिवर्सिटी उस सिचुएशन में अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रही है ऐसे महामारी के दौर में भी। तो गाइज, मैंने हर चीज़ के लिए आप लोगों को आगाह किया कि ये बहुत ही गलत बात है। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। अब UGC को भी इन यूनिवर्सिटियों ने ठेंगा दिखा दिया है कि भाई, आप चाहे कुछ भी हो, हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठे हो या हमसे बड़े हो, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जो UGC की जो साख है उस पर भी एक प्रकार का क्या है, यूनिवर्सिटी ने बट्टा लगाने की कोशिश की है कि भाई, कोई भी नोटिस एक दिन पहले जो UGC जो सभी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है, उसके एक इम्पोर्टेंट नोटिस को भी क्या दरकिनार करके बच्चों के एग्ज़ाम जो लिए जा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही शेमफुल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने चाहिए डेफिनेटली, फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट और जो भी बच्चे हैं उन सब के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। तो अब आप लोगों को मैक्सिमम तो क्या करना है, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए MDU की साइट पे जाके, जो भी उनका VC का जो भी कंट्रोल का एक मेल है, वहाँ पर अपनी गुहार लगा सकते हैं कि सर, ये सब होने चाहिए ताकि जो यूनिवर्सिटी अभी सो रही है वो नींद से जाग जाए। तो कहने का गाइज, इस प्रकार का मतलब सिर्फ ये है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम की जो बीच में अभी 50-50 सिचुएशन चली हुई थी, वो 2 दिन पहले UGC ने जो एक नोटिस दिया है उसको क्या है, क्लियर कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि भाई, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और MDU सभी बच्चों के, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, कोई भी बच्चा है, सभी के एग्ज़ाम लिए जाएंगे।
तो गाइज ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, काफ़ी बच्चे बोले सर आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन क्यों करा रहे हैं। मैंने बोला था बेटा कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ये आपकी कंडीशन को ना भी माने, हो सकता है ये भी ना माने, बट मुझे जहाँ तक लगता है अगर इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इस नोटिफिकेशन को रुकवा सकती है। तो देखना होगा कि क्या यूनिवर्सिटी अपनी इस बात पे दस की तस रहती है या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई एक बड़ा कदम लिया जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस नोटिस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको पढ़ जरूर लेना, सभी को अब एग्ज़ाम देने पड़ेंगे।